ऑस्ट्रेलिया जुलाई इनटेक की गल करने जा रहे हैं। स्टूडेंट जिहड़े रीसेंट पास आउट ने प्लस टू कर ली है और माइंड बना रहे हो अपलाई करन नूं लैके, तां तुहाडे लई इह खास तौर ते वीडियो है। एक एक गल तुसीं ध्यान नाल सुननी ते समझनी है, क्योंकि जदों आपां गल ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की करते हैं तां उत्थे एक भी गलती जो है रिफ्यूजल का रूप लै सकती है, ते तुहाडी एक भी वह गलती ना होवे। इसे लई असीं इह वीडियोज़ लैके आए हैं ते तुहानूं अवेयर करदे हां, माहिर सलाह तुहाडे तक पहुँचाने हैं, ताकि स्टूडेंट्स बिना किसी रुकावट दे अपना रस्ता पार करते हुए अपना वीज़ा जरूर हासिल कर सकन। स्वागत है जी सारे का, मैं हाँ हरजोत कौर। और ऑस्ट्रेलिया जुलाई इनटेक नू लैके डिटेल विच इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे नैविगेटर्स ओवरसीज तो वीजा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो मैम, आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की गल कर रहे हैं, जुलाई इनटेक के उपर फोकस कर रहे हैं, गल खास तौर पर जो हम रीसेंट पास आउट स्टूडेंट है, प्लस टू का स्टूडेंट है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए उन्होंने वालों, क्योंकि असं सारे जानते हैं ऑस्ट्रेलिया तो एक रिफ्यूजल मतलब दोबारा अप्लाई किया ही नहीं जा सकता। तो इतने स्टूडेंट्स कि गलों का ध्यान रखने कहना चाहोगे और हद कदों तक उन्होंने अप्लाई कर देना चाहिए कि ना हो स्टूडेंट डिले ज़्यादा कर जाए तो देरी बहुत ही ज़्यादा उन्होंने भारी पै जाए। देखो मई दे विच चल रहे हैं और इस टाइम जेड़े भी स्टूडेंट 23 पास आउट है ये उन्हें को लास्ट मौका है, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते जी। जिदा मैं हर प्रोग्राम च दस रही हूँ, तुहाडी परसेंटेज ठीक होनी चाहिए है, ठीक है, फाइनैशियल डाक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न ठीक होनी चाहिए है, एंड ज अकैडमिक ठीक है, फिर तुसी जरूर अप्लाई करो। दिस इज़ द लास्ट टाइम, आफ्टर दैट तुसी 23 पास आउट वाले किसी होर कंट्री कर सकते हो, बट ऑस्ट्रेलिया दे वास्ते तुहाडे वास्ते मुश्किल होएगा, क्योंकि एक साल तो ज़्यादा गैप ऑस्ट्रेलिया अलाउ नहीं करता। हुण तुसी ज नॉन मैडिकल दे स्टूडेंट हो, बैंड तुहाडे 6.5 है, नॉट लैस दैन 6 है, परसेंटेज 60% है, तुहाडी विद इन वन वीक असीं जी टी क्लीयर करा रहे हैं, तो मैं बहुत सारी वीडियो च दस्या और यूनिवर्सिटी रैंकिंग बहुत अच्छी है, उहदे विच वीज़ा सक्सैस रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी लेवल वन यूनिवर्सिटी है जिहड़ा कि वह मंगदियाँ 65% IELTS 6 बैंड ईच, उन्हां दी भी रैंकिंग लेवल वन यूनिवर्सिटियाँ चाहती है, फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट तुहाडे ठीक होने चाहिए, उन्हां दा भी वीज़ा सक्सैस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, गैप तुहाडे कोल एक साल तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस टू स्टूडेंट्स 23 पास आउट वास्ते ये बार बार दस रहे हैं, लास्ट मौका 24 वास्ते जड़ा ये मेजर इनटेक है, उहदे वास्ते फिर फैब आएगा। फैब दे विच इन्ना ज़्यादा नहीं जड़ा तुहाडे कोल जड़ा कहना चाहिए चॉइस होंदी है, इस टाइम चॉइस बहुत ज़्यादा होंदी है, क्योंकि हेल्थ साइंस के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जड़े मैडिकल दे स्टूडेंट्स है, नॉन मैडिकल दे स्टूडेंट्स वास्ते इंजीनियरिंग दे बहुत सारे है, IT दे हो गए, हुण IT दे विच भी बहुत ज़्यादा है, IT दे विच गेम दे हो गए, गेम डिवेलपमेंट हो गया, दैन साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, बहुत सारे कोर्सेज है होर भी। इदा ही जो फाइनैंशियल बैकग्राउंड दे है डिजिटल दे रिलेटिड आ गए, फाइनैंशियल बैकग्राउंड दे रिलेटिड आ गए, बहुत सारे कोर्सेज दी चॉइस मिलती है, मेडिकल दे रिलेटिड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आ गया, नर्सिंग आ गया, तुहाडे मेडिकल दे विच भी तुसी कहो कि बहुत, क्योंकि जब बच्चे दी साडे कोल अकैडमिक आंदे आ डॉक्यूमेंट्स, अकैडमिक डॉक्यूमेंट ते असीं फिर जज करदे आ कि बच्चे दे जिहड़े आ बायो दे विच नंबर ज़्यादा है, फिजिक्स ज़्यादा है, कैमिस्ट्री विच ज़्यादा है, या मैथ, उहदे हिसाब नाल असीं तुहानूं सबजैक्ट्स ऑफर करदे हां, और किहड़े कोर्स दे विच इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, और किहड़े कोर्सेस करके तुहानूं जिहड़ा फ्यूचर जिहड़ा, क्योंकि GST जिहड़ा नवां आया GT दी जगह, उहदे विच चार क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, तुसीं इकनोमिक टाइज की है तुहाडी कंट्री दे नाल, कौन तुहानूं स्पोंसर कर रहा, क्यों ये कोर्स करना चाह रहे हो, ये कोर्स करके जिहड़ा फ्यूचर च तुसी की करोगे, ये चीज़ां तुहाडी बड़ी क्लीयर होनी चाहिए, जे ये सारी चीज़ां क्लीयर है तुहाडे वीज़े च 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, डरन तो ऑस्ट्रेलिया की कोई जरूरत नहीं है, नैचुरल एक नैगेटिव वेव आती है, बट वो उन्होंने वास्ते जिन्हों की फाइलें बहुत अच्छी नहीं सीगियां, कुछ बच्चे उन्होंने अच्छी फाइल वाले भी गए हैं, नो डाउट, बट क्योंकि हुण बच्चे घट अप्लाई कर रहे डर के, तो अच्छे प्रोफाइल वाले बच्चे जिहड़े अप्लाई करेंगे उन्हां दा वीज़ा, क्योंकि ये जिहड़ा साडे कोल डाटा आया उहदे विच ये है कि 70% तो उपर वीज़ा मिलना है।
बिल्कुल बिल्कुल सही गल है। सो हुण अगर आप हुण दी भी गल करिए तां वीज़ा आने शुरू होए पए ने आस्ट्रेलिया तो हुण जिहड़ा स्टूडेंट है बिल्कुल भी देरी ना करे, टाइमली सही ऑप्शनज दे नाल तुसीं अप्लाई कर सकते हो। फंड्स दा भी खास तौर ते ध्यान जरूर रखना है तां कि किते भी कोई हर्डल ना आवे और स्मूथली पूरा प्रोसैस कंप्लीट करदे होए तुसीं अपना वीज़ा जरूर हासिल कर सको। कोई सवाल होर होवे तुहाडा तां चाहे कि आपां कोर्स ऑप्शनज दी गल कर लईए चाहे फंड्स नूं लै के भी है तां जरूर जिहड़ा नंबर डिस्प्ले है नैविगेटर्स ओवरसीज़ इज़ उप्पर कॉल करो, पूरी जानकारी लो और राइट प्रोसैस के नाल ही अगे वधो। बहुत बहुत थैंक्स मैम पूरी इनफॉर्मेशन स्टूडेंट्स नाल सांझा करन दे लई ते अगों भी स्टूडेंट्स लई इसे तरह नाल असी होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। फिलहाल लई दिओ जी इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।